तो दोस्तों ये मेरे पास Realme 6i मोबाइल, और Realme 6i का मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट कर दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, फ्री फायर पबजी Realme 6i वर्सेस Redmi Note 9 सारे टेस्ट हमने डाल दिया। अगर अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 0% से 100% चार्ज इस मोबाइल में कितना टाइम में कंप्लीट होता है। आपको पता है यहाँ पे 4200 mAh बैटरी है, जो कि 4300 वो बोल रहा है, सेम ही है 4200 और 4300। टिपिकली 4200 और नॉर्मली उन लोगों ने लिखा है यहाँ पे 4300। तो यहाँ पे मैंने बैटरी ड्रेन पूरा जीरो कर लिया हूँ। देखो पावर ऑन हो गए, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा खत्म कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जर यहाँ पे दिया है 20 वाट का चार्जर, जो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वो चार्जर यहाँ पे मेरे पास है। देख सकते हो यहाँ पे 5 वोल्ट 4 एम्पियर का चार्जर जो यहाँ पे लिखा है, और इसमें 30 वाट का भी चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन अभी के लिए ये 20 वाट से ही चेक करूँगा हम, क्योंकि जो बॉक्स के अंदर आता है उसमें ही चेक करना सही रहेगा। और भूक केबल जो दिया है सी टाइप का, वही वाला भूक केबल भी यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, और ये जो है स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड में हमने कनेक्ट कर दिया हूँ, और इधर इसको हमने कनेक्ट भी कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद ये जो तार है इसको थोड़ा सा ठीक करके रखना होगा। और ये है स्टॉप वॉच मोबाइल, जहाँ पे स्टॉप वॉच चलेगा। तो यहाँ पे हम स्विच को प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे बैटरी का कुछ सिंबल आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिंबल आ चुका है। तो यह सिंबल आ जाने के बाद, 1% चार्ज हो जाने के बाद यहाँ पे हमने फोन को पावर ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे 3% चार्ज हो गया है भूक चार्जर से कनेक्ट करते हुए। अब क्या बताया बताओ, जब देखा था हमने कुछ भी ऑन नहीं हो रहा था, अभी यहाँ पे 3% चार्ज हो गया है, जस्ट कनेक्ट किया और 3% हो गया। तो 3% जब हो गया तो यहाँ पे हम पावर ऑफ कर ऑन करते हैं, और पावर ऑन करके इसको हम पूरा देखेंगे 100% चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। पर 10 मिनट में आके आपको दिखाएंगे कितना कितना हो रहा है। और Realme 6i का भी मैंने बहुत वीडियो बना दिया, Realme Note 9 का भी बहुत वीडियो बना दिया, वो आप देख लो। तो यहाँ पे बैटरी अभी भी 3% ही है। तो कनेक्ट करते हुए यहाँ पे 3% हो गया, शायद रिजर्व में कुछ चार्जेस यहाँ पे रखा था इसीलिए ऐसा हुआ है। तो बैटरी में जाएंगे तो 3% है, और भूक चार्ज यहाँ पे इनेबल है, यहाँ पे वाईफाई इनेबल है, ब्राइटनेस को मैं कर दिया, ऑटो लोकेशन इनेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो भूक चार्ज ही दिखाएगा। तो भूक चार्ज यहाँ पे चार्ज हो रहा है। फास्ट 10 मिनट में अगर चार्ज यहाँ पे दिखा जाए तो 15% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब देख लो। तो 10 मिनट में 15% हुआ है, और यहाँ पे देखते कब खत्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 मिनट हो चुका है, और 20 मिनट बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 29% चार्ज कंप्लीट हुआ है। तो अच्छा ही चार्ज यहाँ पे हो रहा है 20 मिनट में 29%। तो देखते हैं यहाँ पे कब खत्म होता है। यहाँ पे 30 मिनट कंप्लीट हो चुका है, और 30 मिनट बाद अगर देखा जाए तो 43% चार्ज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। 43% चार्ज 30 मिनट में हो रहा है, तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट लग सकता है फुल होने के लिए। तो देखते हैं कब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 मिनट हो चुका है, और 45 मिनट बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 63% चार्ज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो 20 वाट चार्जर से यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 30 वाट चार्जर इसमें सपोर्ट करता है, ये कंपनी की तरफ से बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको 20 वाट में ऐसा ही मिलेगा। तो 45 मिनट में 64%, मतलब अभी भी यहाँ पे आधा घंटा के ऊपर लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, और 1 घंटा बाद अगर देखा जाए तो 84% कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे और 16% बाकी है,
तो इन 16% कितना टाइम में होता है वो ये एक मैटर करता है, क्योंकि जब 80% के ऊपर आ जाता है तो बैटरी यहाँ पे स्लो चार्ज लेने लग जाता है। तो मुझे लग रहा है अभी भी 20 मिनट यहाँ पे लग जाएगा, तो देखते क्या होता है। एक घंटा 15 मिनट हो चुका है और 1 घंटा 15 मिनट बाद अगर चार्ज देखा जाए तो 97% यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी 98% भी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रीन को ऑलवेज डिस्प्ले ऑन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे अभी 100% होगा तो यहाँ पे पता नहीं चलता, इसलिए हम लास्ट टाइम में ऐसे करते हैं। तो डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ को 30 मिनट करते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कब चार्ज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे 1 आवर 19 मिनट में, तो 1 आवर 19 मिनट में 0% से 100% चार्ज यहाँ पे Realme 6i में कंप्लीट हो चुका है, जो कि 4200 4300 बैटरी है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि Redmi Note 9 में आपका 5000 मिली एम्पियर बैटरी है, 22 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन वहाँ पे चार्ज खत्म होने में, मतलब चार्ज कंप्लीट होने में 2.5 घंटे लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 4300 या फिर 4200 भी आप कह सकते हो वो बैटरी चार्ज करने में यहाँ पे 1 आवर 19 मिनट लगता है। मतलब फास्ट चार्ज यहाँ पे हो रहा है 20 वाट चार्जर से ही। तो Realme 6i में आपको फास्ट चार्ज देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी अगर थोड़ा सा जल्दी ड्रेन हो जाए वो भी आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे आप क्विक कर सकते हो, ये वाला बात बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों यही था Realme 6i का बैटरी चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो, 0% से 100% कब तक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अच्छा वीडियो, इतना ही, बाय।